डियर व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जुनेद अली शिनवारी, जो कि फ़ुटबॉलर में एज़ गोलकीपर रोल अदा करते हैं, तो इनसे कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनेद। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं आपको आपके चैनल जो है ना उसके बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इस ट्रायल में आए उस खिलाड़ी को ये इंटरव्यू भी शायद कर रहा है, तो बहुत शुक्रिया आप चैनल का। थैंक यू जुनेद भाई। जुनेद भाई, आपका ये फ़ुटबॉल का करियर मतलब कैसे स्टार्ट हुआ? आपने कैसे, आपके दिल में इस खेल का रुझान आया, आपके दिल में कैसे इसकी वो बढ़ गई कि आप यहाँ तक पहुँच गए? माशाल्लाह अभी ट्रायल्स में, पेशावर फुटबॉल लीग के ट्रायल्स में आप सेलेक्शन में आपने हिस्सा लिया, तो क्या कहाँ से आपकी ये हिस्ट्री शुरू होगी, थोड़ी सी मुख्तसर अंदाज़ में इसकी वजाहत कीजिए। बचपन से जो मैं क्रिकेट खेलता था, एक टीम था लंडी कोतल में, उसमें मैं क्रिकेट में कीपिंग का इजाज़ा हासिल किया। इसके बाद क्रिकेट कीपिंग के बाद मैंने फुटबॉल का कीपिंग स्टार्ट किया। बहुत मज़ा करता था, इसलिए फुटबॉल को आया, फुटबॉल को सपोर्ट किया, अभी भी कर रहा हूँ। मैं नेशनल गेम कैंपिंग भी सेलेक्ट हुआ था, इंटर बोर्ड जो 2019 का पेशावर बोर्ड टीम था उसमें भी कोटा गया था, और अभी भी इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है कि मैं पेशावर ट्रायल में भी हो जाऊँ। जी, मैं आपसे, आप तो एज़ ए गोलकीपर रोल अदा करते हैं टीम में, क्योंकि एक पूरी टीम का जो बुनियादी वो है वो गोलकीपर होता है, जितना ही गोलकीपर स्ट्रांग होता है उतना ही उस टीम के बैकबोन स्ट्रांग होता है, तो एक एज़ ए बैकबोन इसकी शुमार होती है ना टीम में गोलकीपर के, तो क्या ये करना, गोलकीपिंग करना ये सख्त है या नहीं, मतलब इस बारे से आप ज़रा राय दीजिए। ये गोलकीपिंग टीम का जो है ना ये रेड कार्ड डी है, और ये 70% का जो गेम है वो कीपर करता है। बहुत सख्त काम है, इसमें सारा गेम दिमाग का होता है, और इसमें दिमाग से ये कुछ अपने ख्यालों में बालों वगैरह को दिमाग से सीखना होगा आपको, और बहुत मुश्किल काम है गोलकीपिंग, हर किसी को करना भी सख्त है। बिल्कुल हाँ जी, गोलकीपिंग करना तो बहुत सख्त है, और 70-80% यानी मतलब एक रोल, एक अच्छा गोलकीपर एक पूरी टीम को बचा सकता है, और एक अच्छा गोलकीपर यानी मतलब वो एक टीम को विन कर सकता है। तो बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, और फ्यूचर में आपकी क्या ख्वाहिशात है, मतलब क्या फ्यूचर में एक मतलब आपकी क्या राय है कि फ्यूचर में एक बड़ा स्टार बनना चाहोगे फुटबॉलर की? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है कुछ सालों से बंद पड़ा था, अभी खोला है, अंडर-19 भी अभी हुआ है, इंशाल्लाह आइंदा सालों में पाकिस्तान का फुटबॉल फेडरेशन जो है ना वो अच्छा होगा, और इंशाल्लाह ये खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान को अच्छे अच्छे फ्यूचर और स्टार्स मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जुनेद भाई फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।